रेसिपीज, मीठी मसालेदार मिक्सी रेसिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिए, ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वेलकम टू अल्पाहार। मेरा नाम अल्पा शाह है। आज हम बहुत ही फेमस नटेला बनाने वाले हैं, सबका फेवरेट। बहुत सारे डेजर्ट में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बाहर मार्केट में बहुत ही महंगा मिलता है, घर पे हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। नटेला को हेजलनट स्प्रेड कहा जाता है। इस तरह से हेजलनट्स आते हैं। आमतौर पे इसे कॉमनली मिलना बहुत ही मुश्किल है, सुपरमार्केट या सुपर स्टोर्स में ही मिलते हैं। अब आज हम उसका एक सब्स्टिट्यूट बनाने वाले हैं। आज हम नटेला आलमंड से बनाएंगे, यानी कि बादाम स्प्रेड, आलमंड स्प्रेड बनाएंगे, जो आसानी से हमारे सबके घर पे रहते ही हैं। अगर आपके पास ये बादाम भी नहीं है तो आप मूंगफली से भी इसे बना सकते हैं और वॉलनट्स भी यूज कर सकते हैं, अखरोट भी। आज हम बादाम से बनाएंगे। मैंने ये 1 कप बादाम लिए हैं। अब हमें इसे स्लो आंच पे करीबन 2 मिनट के लिए इसे रोस्ट कर लेना है, ताकि कोई मॉइस्चर हो तो निकल जाए और हल्के से ये क्रंची हो जाए, ताकि जब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे तो इसके ऑयल अच्छे से रिलीज हो सके। स्लो आंच पे ही इसे रोस्ट करना है। इसकी स्किन जल ना जाए उसका ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूस इसे चलाते जाइए। बहुत सारे डेजर्ट में इसका उपयोग होता है, नटेला सैंडविच, नटेला मिल्कशेक, डेजर्ट में टॉपिंग्स के ऊपर, केक में, बहुत सारी जगह पे इसका यूज होता है। बच्चों को तो इतना भाता है कि वो एक चमची उठा के भर के ऐसे ही खा लेते हैं। अब आप भी इसे घर पे बनाइएगा। भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हल्का सा ऊपर रंग भी आ गया है। इसी स्टेज पे हम गैस को बंद करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। आप चाहें तो बादाम को ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, हल्के ही गर्म है, वैसे ही हमें चाहिए। अब मैं इसे एक मिक्सी जार में डाल दूंगी। अब हमें इसे कंटिन्यूस 2 मिनट के लिए चर्न कर लेना है। ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने इसे चर्न कर लिया। अब इस तरह से हम इसे निकालते हुए फिर से बीच में कर देंगे और फिर से 1 मिनट के लिए चालू बंद करके इस तरह से हम पीस लेंगे। ये देखिए फिर से दूसरी बार 1 मिनट करने के बाद ये एकदम फाइन पेस्ट बन गया है। बादाम ने बहुत ही अच्छे से ऑयल रिलीज किया है और बहुत ही बढ़िया पेस्ट तैयार हो गई है। इसे आप आलमंड बटर की तरह यूज कर सकते हैं, इसे आलमंड बटर कहा जाता है। अब नटेला बनाने के लिए हम इसमें 1/4 कप कोको पाउडर है, वन थर्ड कप पीसी हुई चीनी, 2 चुटकी नमक, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और ये 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है। मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया है, आप चाहें तो नॉर्मल कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कोई फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए। अब सारी चीजों को सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें चर्न कर लेना है। नटेला को मैंने सर्विंग में ले लिया है, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है और इससे मैंने नटेला सैंडविच बनाई है। देखते ही मुंह में पानी आ जाए वैसा। ब्रेड को मैंने अच्छे से बटर लगा के टोस्ट कर लिया है और इसमें मैंने नटेला लगा लिया है। अब देखिए इसका स्प्रेड, आलमंड स्प्रेड, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप भी जरूर से घर पे ट्राई कीजिए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम खर्च में हमारा नटेला बन के तैयार हो जाता है। आप चाहें उसमें तो अगर आपके पास हेजलनट अवेलेबल है तो आप हेजलनट यूज कर सकते हैं, आलमंड, वॉलनट्स या मूंगफली, किसी से भी आप बना सकते हैं।
बहुत ही टेम्पटिंग, जरूर से ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे जरूर से लिखिएगा कि आपने किस चीज से नटेला बनाया है। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।